काफी लोगों के सवाल आ रहे थे, पूछ रहे थे लोग कि रोहित भाई एक बात बताओ, ये मीशो कंपनी का फ्यूचर कैसा होने वाला है? जिन लोगों को पता नहीं कि मीशो क्या है, तो उनको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक कंपनी थी फैसनियर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, उसने ही एक एप्लीकेशन बनाया था मीशो नाम से। ये सोशल ई कॉमर्स कंपनी थी। तो सोशल ई कॉमर्स कंपनी वो होती हैं जो कि बहुत सारे लोगों को लेकर ई कॉमर्स का बिजनेस करती हैं। तो इन्होंने लोगों को सुविधा दी कि आप उनके प्रोडक्ट को सेल कराएं और जितना आप मार्जिन चाहते हैं उतना मार्जिन रख के इनके प्रोडक्ट को सेल कराएं। तो एक तरह से रीसेलिंग बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने का ऑफर इन लोगों ने दिया था। तो अगर आपने अभी तक मीशो यूज नहीं किया, आप मीशो के बारे में जानते नहीं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मीशो का डाउनलोड लिंक दिया है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करके उनके कस्टमर केयर को कॉल करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अब भाई बात करते हैं मीशो का फ्यूचर क्या है। मीशो का फ्यूचर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। आप कहोगे कि मीशो का फ्यूचर अच्छा क्यों है? क्योंकि मीशो के फ्यूचर ख़राब नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर रीसेलर का ख़राब हो सकता है लेकिन मीशो का नहीं हो सकता। क्योंकि अगर रीसेलर बढ़ते हैं, अगर बहुत सारे रीसेलर हो जाते हैं, तो हमारे पास कस्टमर नहीं रहेंगे। अगर कस्टमर नहीं रहेंगे तो हम जो रीसेलर थे वही कंपनी के कस्टमर बन जाएंगे। मतलब मीशो से जो शॉपिंग किया करेंगे वो खुद हम अपने लिए कर लिया करेंगे। अब भाई एक सवाल हमारे दिमाग में आता है कि क्या मीशो ने प्राइस जो हाई करके रखी है वो कभी कम हो सकती हैं? तो इसका जवाब है हाँ, ये प्राइस कम हो जाएंगी। लेकिन कम कब होंगी? जब मीशो एप्लीकेशन हर किसी के फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा, हर कोई मीशो के बारे में जान जाएगा, उसके बाद जब कस्टमर नहीं रहेंगे, डायरेक्ट रीसेलर कस्टमर बन जाएंगे, तो उस टाइम पर मीशो अपनी प्राइस घटा देगा और हम जैसे लोग जो रीसेलर हैं वो डायरेक्ट अपने लिए शॉपिंग मीशो से किया करेंगे। अब मीशो का फ्यूचर और अच्छा हो जाएगा क्योंकि इनके पास कस्टमर बेस बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये क्या करेंगे, ये अपने कस्टमर बेस का कैसे भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि इनका जो प्लेटफॉर्म है इसको कभी भी अपडेट किया जा सकता है। कभी भी यहाँ पे जो सेलर है उन्हें हटा के ब्रांडेड जो सेलर हैं उनको ऐड किया जा सकता है, डायरेक्ट कंपनी से कनेक्शन करके उनको ऐड किया जा सकता है, कुछ भी चेंजेस किए जा सकते हैं। तो मीशो अगर अपने चेंजेस कर देगा तो मीशो का तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी, और बाकी के रीसेलर के लिए उनका तो धंधा चौपट हो चुका है, मैं तो यही कहूँगा। क्योंकि भाई अभी भी यूट्यूब पर इतना प्रमोशन चल रहा है मीशो का कि रीसेलर को नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। एक अगर बात समझी जाए कि किसी इंसान को एडवर्टाइजमेंट किस तरह से दिखाया जाता है, तो आप समझ जाओगे कि मीशो आपके साथ धोखा कर रहा है। देखो मैं आपको एक सिस्टम समझाता हूँ कि अगर मेरी कोई कंपनी है और मेरे को ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट चलवाना है, तो मैं एडवर्टाइजमेंट किस हिसाब से चलवाऊँगा और किन लोगों को दिखाऊँगा उस एडवर्टाइजमेंट को। देखो मेरी अगर ई कॉमर्स कंपनी है, मान के चलो मैं अगर मीशो का मालिक हूँ, एक मिनट के लिए ये मान लो कि मैं मीशो का मालिक हूँ और मेरे को एडवर्टाइजमेंट चलाना है, तो पहला चीज़ मैं एडवर्टाइजमेंट उन लोगों के सामने अपना शो कराऊंगा जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्टेड हैं, रीसेलिंग कर रहे हैं रीसेलिंग में इंटरेस्टेड हैं, ई कॉमर्स में डील कर रहे हैं ई कॉमर्स में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को दिखाऊंगा। अब भाई जो लोग शॉपिंग कर रहे हैं चाहे फेसबुक से, फेसबुक मार्केट प्लेस से, ओएलएक्स से या फ्लिपकार्ट अमेज़न से, तो वो लोग आपसे भी शॉपिंग करते होंगे, आप जैसे रीसेलर से भी सामान खरीदते होंगे। तो होगा क्या कि मीशो ने जैसे ही एडवर्टाइजमेंट चलाया तो जो आपका पहले कस्टमर था उसके सामने भी वो ऐड आएगा क्योंकि उसने शॉपिंग की है। तो वो लोगों को टारगेट करेगा जो लोग ऑलरेडी इस काम में हैं, चाहे रीसेलिंग में, चाहे ई कॉमर्स में, चाहे जो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, उन लोगों को टारगेट करेगा ऐड, और ऐड उन लोगों को दिखाया जाएगा, तो वो लोग जो आपके कस्टमर थे वो रीसेलर अल्टीमेटली बन जाएंगे। अब थोड़ा फ्यूचर की तरफ चलती है। अब धीमे धीमे प्रमोशन होता गया और जितने भी रीसेलर थे वो कस्टमर बन गए, और जितने कस्टमर थे वो भी कस्टमर बन गए, डायरेक्ट रीसेलर हो गए। तो एक समय ऐसा आ गया कि सभी के सभी रीसेलर हैं वही कस्टमर हैं मीशो के अंदर। मतलब अब वो बेच नहीं पा रहे क्योंकि कोई बंदा है नहीं जिसको हम बेच पाए, क्योंकि हर किसी को मीशो के बारे में पता चल गया। तो उस टाइम पे क्या होगा? अब यहाँ पे दो तरीके से हम सोचते हैं, एक सोचते हैं मीशो की तरफ से, एक सोचते हैं रीसेलर की तरफ से। देखो मीशो के पास पहले जितने कस्टमर थे और कुछ रीसेलर थे, दो कैटेगरी में मीशो डिवाइड था कि कस्टमर थे कुछ, रीसेलर थे, रीसेलर कम थे कस्टमर ज़्यादा थे।
अब क्या होगा कि कस्टमर ही रीसेलर बन जाएंगे और रीसेलर ही कस्टमर बन जाएंगे, बात एक ही हो जाएगी, क्योंकि सभी के फोन में मीशो होगा। तो मीशो के पास जो नेटवर्क बना रीसेलर का, वो बड़ा नेटवर्क हो गया, मतलब सभी के फोन में रीसेलिंग एप्लीकेशन मीशो पहुंच जाएगा। अब बात आती है, अब सोचते हैं मीशो को छोड़कर रीसेलर की तरफ से। अब रीसेलर के पास जो कस्टमर थे वो रीसेलर बन गए, अब वो हमसे खरीदेंगे नहीं, तो हमारा तो धंधा उस टाइम पर हो गया चौपट। लेकिन मीशो की साइड से सोचा जाए तो मीशो का तो भाई बिजनेस बढ़ गया, बिजनेस वॉल्यूम बढ़ गया, उसके प्लेटफॉर्म पर विजिटर्स बढ़ गए, ट्रैफिक बढ़ गया, सेल्स ज़्यादा होगी, जो लोग अपने लिए खरीदेंगे डायरेक्ट खरीदेंगे, क्योंकि वो आप पहले आपसे खरीद रहे थे, तो आप थोड़ी रेट में हाई दे रहे थे जब आप सेल कर रहे थे, क्योंकि आप अपना मार्जिन ऐड कर रहे थे। अब वो लोग सीधा मीशो से खरीदेंगे, क्योंकि आपका मार्जिन नहीं रहेगा, तो उस डायरेक्ट मीशो से उन्हें कम रेट में मिलेगा, कम रेट में मिलेगा तो वो डायरेक्ट मीशो से खरीद लेंगे। तो यहाँ पे जो कंक्लूजन निकल के आता है कि मीशो कंपनी तो फ्यूचर में ऊपर जाएगी, रीसेलर का बिजनेस डाउन जाएगा, मीशो का प्रॉफिट ऊपर जाएगा, रीसेलर का प्रॉफिट नीचे जाएगा, तो ये एक कंडीशन आ जाएगी। अब भाई बात करते हैं कि ये कौन से टाइम पर ऐसी कंडीशन आ सकती है। देखो, मीशो जिस हिसाब से प्रमोशन कर रहा है, तो 2 साल बाद अभी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि एक कंडीशन आती है कट थ्रोट कंपटीशन, तो गला काटने वाली प्रतियोगिता, मतलब एक ऐसी कंडीशन अभी नहीं आई जहाँ पर मारा मारी हो प्रोडक्ट की, तो इतनी ज़्यादा अभी मीशो की कंडीशन नहीं आई, लेकिन 2 साल बाद ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि हर कोई मीशो के बारे में जान जाएगा, तो उसे बोलेंगे कट थ्रोट कंपटीशन, मतलब गला काट प्रतियोगिता। उस टाइम पे हर कोई मीशो के बारे में जानेगा, और सेल कहाँ करें, उस टाइम पर सेल करने में इशू आएगा सबसे बड़ा, तो उस टाइम पे एक तरह से गला काट प्रतियोगिता होगी, हर कोई ये चाहेगा कि इसे हटाओ उसे हटाओ, यहाँ बेचो वहाँ बेचो, मार्जिन कम रखो प्रॉफिट कम लो, फिर ज़्यादा सेल हो सकती है, ऐसे डील करेगा। और बात करें कि मीशो का भी फायदा हो और रीसेलर का भी फायदा हो, ऐसी कभी कंडीशन आ सकती है क्या? ऐसी भी कंडीशन आ सकती है अगर मीशो एक चीज़ अपडेट कर दे। तो मीशो क्या चीज़ अपडेट कर दे? मीशो प्रमोशन को वहीं पर रोक दे। अब प्रमोशन बहुत हो गया, तो पहली चीज़ कि प्रमोशन को रोके, दूसरा जो प्रोडक्ट मीशो सेलर से ले रहा है वो डायरेक्ट कंपनी से लिस्ट करवाई, क्योंकि भाई से कंपनी से देखो, मैन्युफैक्चरर से कंपनी के पास आ रहा है, कंपनी से होलसेलर पे जा रहा है, होलसेलर से सप्लायर पे जा रहा है, सप्लायर से डीलर पे जा रहा है, डीलर से रिटेलर पे जा रहा है, ऐसे करते करते वहाँ से लेके यहाँ तक हर कोई चेन बना रहा है एक, तो हर कोई अपना मार्जिन उसमें ऐड करते जा रहा है। अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट कंपनी से आएगा तो मीशो में जो रेट होगी वो बहुत कम होगी, और रेट कम होगी तो प्रोडक्ट मार्केट रेट से बहुत सस्ता मिलेगा, तो हम लोग अगर मार्केट रेट पे उसे सेल करें या मार्केट रेट से भी थोड़ा सस्ता सेल करें तो वहाँ पे सेल ज़्यादा होगी, तो हम रीसेलिंग बिजनेस को ऑफलाइन में भी रन कर पाएंगे, हम डायरेक्ट दुकान वालों से कॉन्टैक्ट कर पाएंगे कि हमारी ये प्रोडक्ट है, हम आपको आपकी मार्केट रेट से भी कम में दे रहे हैं, होलसेल रेट में दे रहे हैं, तो हमारा वो बिजनेस एक तरह से ग्रो करने लगेगा। इससे 2 लोगों को फायदा होगा। कौन कौन से 2 लोगों को फायदा होगा? पहला मीशो को फायदा होगा। मीशो को इसलिए फायदा होगा कि हम जो ऑर्डर लगाएंगे वो बल्क में ऑर्डर लगाएंगे, क्योंकि हमें मैन्युफैक्चरिंग रेट में प्रोडक्ट मिलेगा, तो हम उन्हें दुकानों पर बल्क में बेचेंगे, उनसे बोलेंगे कि 50 पीस ले लो आप, 60 पीस ले लो, हम इतनी रेट लगा देंगे, क्योंकि हमें भी मैन्युफैक्चरिंग रेट में मिल रहा है वो प्रोडक्ट, तो हम भी उसे थोड़ा सस्ता बेच देंगे, तो वहां पे हमारे सेल होने के चांस हो जाएंगे, प्लस हमारा प्रॉफिट इसलिए होगा क्योंकि हमारा बल्क में ऑर्डर लगेगा, हमें प्रॉफिट अभी 100 रुपए पर प्रोडक्ट में मिल रहा है, बाद में अगर बल्क में हमारा प्रोडक्ट सेल होने लगा और 30 रुपए भी हमें मिलने लगे एक प्रोडक्ट में, तो भी हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, हमारी अर्निंग ज्यादा होगी, क्योंकि ऑर्डर बहुत ज्यादा लगा करेंगे। मीशो को प्रॉफिट ज्यादा कैसे होगा वो भी मैं बताता हूँ। मीशो के ऑर्डर बल्क में लगा करेंगे तो मीशो को इस हिसाब से फायदा होगा, मीशो के पास जो ऑर्डर आया करेंगे वो बहुत ही तादाद में ऑर्डर आया करेंगे, अब सिंगल पीस के प्रोडक्ट के ज्यादा ऑर्डर आते हैं, और मीशो को 2 तरीके से और फायदा हो जाएगा, एक तो बल्क में ऑर्डर आएंगे उनसे फायदा होगा, दूसरा मीशो सिंगल प्रोडक्ट भेजता है तो डिलीवरी चार्ज ज्यादा लग जाता है। आपको बताना चाहूंगा कि अगर बड़ा पैकेट है ज्यादा सामान जा रहा है तो डिलीवरी चार्ज कम लगता है, अगर छोटा पैकेट जाएगा तो उसमें डिलीवरी चार्ज कम ज्यादा लगता है छोटे पैकेट में। मान के चलो एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहूंगा, जैसे कि कोई 1 किलो का पैकेट है तो उसके भी 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये लेती हैं कंपनियां, हर कंपनी की अलग रेट होती है, 39 रुपये से स्टार्ट होती है और 60 रुपये तक चलती है 1 किलो के। अब भाई
कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर आया जिस प्रोडक्ट में वजन है 50 ग्राम, तो भी कंपनी को 40, 50, 60 रुपए देने होंगे। चाहे वजन है आधी किलो तो भी इतना ही देना पड़ेगा, चाहे 1 किलो तो भी इतना ही देना पड़ेगा। अगर बल्क में ऑर्डर आएंगे तो वजन भाई ज़्यादा होगा तो भी हमें थोड़ा डिलीवरी कंपनी कम पैसे लेगी, तो डिलीवरी का भी इन्हें फ़ायदा हो जाएगा, प्लस लंबे टाइम तक इनका बिजनेस चलता रहेगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना इन मीशो कंपनी को कि आप अगर मेरी बात से सहमत हैं, और आपको आपकी कोई राय हो तो वो भी बताना कमेंट करके। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ये भी बता देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना, और मीशो का डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो आप डाउनलोड कर सकती हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।